और मतलब जैपनी जैपनीज़ जो है लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हो क्या गलती है मतलब क्या गलतियों को अवॉइड करा जाए अच्छा स्कूल कैसे चूज़ करा जाए कैसे बेस्ट से बेस्ट स्कूल चूज़ करा जाए वो मैं बताऊंगा और मैंने क्या गलती करी वही मैं आपको बताऊंगा और हाँ मुझे पता है वीडियोज़ रेगुलर नहीं हो पा रहे बहुत टाइम से क्योंकि पता क्या कुछ टाइम से मेरी तबीयत वगैरह ना थोड़ी सी डाउन चल रही थी और अभी भी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है पर हाँ उतनी भी बुरी नहीं थी पहले थी पर अब ठीक है कि हाँ मैं मतलब मल, काम वगैरह सब अपने कर सकता हूँ बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई दो तीन दिन मतलब बुखार खांसी जुकाम सब तो फिर भाई दवाई वगैरह ली इस चक्कर से मैं स्कूल से भी ऑफ था जॉब से भी ऑफ था दो तीन दिन के करीब तो इस तरह से और वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी बिज़ी हो रखा था यार मैं कुछ टाइम से और मैंने आज भी ये वीडियो पता बहुत जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि दस बजे से मेरी जॉब है और अभी नौ तो बज चुके हैं दस से तीन आज मेरी जॉब है अभी रात हो रही रात के नौ बज रहे हैं तो तुम्हारा भाई बिल्कुल एकदम सेट हो गया था बाल बाल सेट करके अपना भाई वीडियो बनानी और जॉब पर भी जाना है तो एकदम सेट होके बैठना पड़ता है तो आज की वीडियो इसके ऊपर है और हाँ आपसे मैं कोशिश करूँगा कि हफ़्ते की ना एक वीडियो तो मैं डालू ही डालू यार क्योंकि मुझे पता है भाई सब लोग वीडियो का वेट करते हैं और मैं भी ना पता है, मैं तो हफ्ते की दो दो वीडियो डालना चाहता हूँ ऐसे नहीं कंटेंट की कमी कंटेंट तो भतेरा पड़ा है भाई इस दिमाग के अंदर इतना कंटेंट है कि मैं हफ़्ते की दो से तीन वीडियो तो आराम से निकाल सकता हूँ तीन वीडियो तो मैं आराम से निकाल दूँ पर दिक्कत सारी पता है क्या है कि ये काय का अलार्म बज गया किस चीज़ का अलार्म है बताओ <laughs> एक मिनट रुप ये पता नहीं कौन सा अलार्म बज गया मुझे भी नहीं पता पता नहीं यार कब का लगा रखा है तो पता है क्या इस चक्कर से तो पर अब मैं कोशिश करूँ कि हफ़्ते की एक वीडियो तो डालू डालू क्योंकि यार टाइम की प्रॉब्लम की वजह से ना थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा था पर अब आई एल मैनेज आई एल ट्राई माई बेस्ट तो ये चक्कर है और आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा काम का टॉपिक है तो बिल्कुल भाई ध्यान से सुनना जो जो बताऊँगा अपनी गलतियाँ जो मैंने करी अपना सिलेक्ट करते हुए और हाँ और मतलब कि और हाँ मतलब मैंने जो गलतियाँ करी और आप लोग कैसे बेस्ट से बेस्ट स्कूल चूज़ कर सकते हो कैसे पता चलेगा कि वो स्कूल बेटर है या अच्छा या बेकार है वैसे देखो बेकार तो कोई स्कूल नहीं होता वही फ़र्क रहता है कि एक्टिविटीज़ का फर्क रहता है और कुछ नहीं होता तो अभी आपको बताते हैं फिलहाल नौ बज के पहले ना एक बार कॉम्बनी चलते हैं चलो मेरे साथ खाना वाना लेके आते हैं कॉम्बनी से भूख लग रही है जॉब पे जाना है आज ब्रेक भी नहीं है ठीक पाँच घंटे की शिफ्ट में कोई ब्रेक नहीं होता तो अभी जाते हैं। पहले कुछ सेवन इलेवन से खाने लेके आता हूँ सबसे बेस्ट खाना ना मुझे सेवन इलेवन का लगता है लॉसन का भी सही है पर लॉसन से मैं बोर हो गया खा खा के और सेवन इलेवन के ना जो बेन तो मतलब जो खाने का होता है वो अच्छा होता है काफ़ी तो आपको बताएंगे कैसा है क्या है तो अभी बाहर चलते हैं पहले एक बार कॉम्बनी फिर कॉम्बनी से ला फिर बताता हूँ ठीक है तो भाई अब जा रहे हैं कॉम्बिनी कॉम्बिनी से लेंगे एक बेन तो बढ़िया सा मतलब जो खाने का पूरा वो होता है जिसमें चावल और मतलब डिश वग़ैरह कुछ होती होगी वो लेते जाके यार यहाँ पे ना कभी कभी मुझे लगता है कि इंडिया के मुकाबले ना मतलब ज़्यादा अंधेरा हो जाता है रात होते ही मतलब इंडिया में या तो लाइट ज़्यादा थी रोड्स पे या लाइट का मैं ये हो सकता है क्योंकि देखो कितना अंधेरा है यार देखना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा नहीं हो रखा तो ये चक्कर है मुझे ऐसा लगता है आप लोग ना कमेंट करके बताना कि ऐसा सही में मुझे लगता है या ऐसा रियलिटी में है कि मतलब इंडिया में अपनी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ज़्यादा है या यहाँ पे कम है क्योंकि तो यहाँ मुझे बहुत अंधेरा लगता है रात के टाइम पे ना कि नौ बजे के करीब में बहुत ज़्यादा अंधेरा अब जाते हैं घर पर तो आज कुछ बनाया नहीं क्योंकि ना क्या का चक्कर है छुट्टी का दिन था थोड़ा लेट उठा फिर इधर उधर के काम थे बहुत ज़्यादा वो निपटाए और बिल्स वगैरह पेंडिंग में बिल्स भी भरने यार पता है अब तो रेंट रेट डेट आ रही है बड़ा दर्द होता है यार पता है यार जब खर्चा खर्चा आता है ना मेरा तो दिल बड़ा दुखता है भाई बहुत खर्चा है भाई बहुत खर्चा पर कोई नहीं भाई ये तो लाइफ है खर्चा तो होगा करना पड़ेगा ये बढ़िया है ना देखो अच्छी लग रही है ना तो अब जा रहे हैं भाई आपको दिखा ले के चलते हैं ये देखो कितना अंधेरा है तो भाई देखो ऐसे बहन तो होते ही देखो ये जो है ये जैसे बटर चिकन का है ये चिकन वगैरह के सारे ना जैसे चिकन एग वगैरह राइस वगैरह तो भाई बहन तो लेके आ गए घर पे ये रहा बेन तो ये लेके आए भाई बटर चिकन का वेज वाले भाइयों को हाथ जोड़ के सॉरी भाई क्योंकि तो मुझे पसंद है खाना इसलिए तो खा रहे हैं तो ठीक है अभी पहले वीडियो बना लो फिर खा के जॉ पे भाई नहीं, बहुत जल्दी में हो आज तो यार कि आज वीडियो नहीं बनाता ना तो भाई अगला हफ्ता तो बहुत ही नामुमकिन है वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं भाई अगले हफ्ते बिल्कुल वीडियो बनाने के लिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से तो भाई चक्कर क्या है देखो सबसे पहला जो रेड फ्लैग मैं बताऊँगा जो मेरे हिसाब से है अभी भी देखो जुकाम हो रहा है सबसे पहला जो रेड फ्लैग है ना वो ये है कि किसी भी स्कूल का ना ये प्रमोशंस करते हैं यूट्यूब के थ्रू अपने इंस्टाग्राम के थ्रू तो किसी भी स्कूल का ना प्रमोशन देख के ना आप उसकी उसमें बहकावे मत आना अरे यार इतना बड़ा स्कूल है अरे यार ये ऐसा ही है वैसा है तो ये वाली गलती ना मत करना कि भाई आप किसी स्कूल का इंस्टाग्राम पे प्रमोशन देख रहे हो यूट्यूब पे प्रमोशन क्योंकि हर स्कूल का ना ऑलमोस्ट स्कूल्स का अपनी यूट्यूब चैनल होते हैं तो उसमें वो वीडियोज डालते हैं बहुत ज़्यादा थोड़ी फैंसी टाइप की जो लुभाना कहते हैं ना इसको कि इन्फ्लुंस करना लोगों को तो उस चक्कर से वो ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगे स्टूडेंट्स देखिए इन्फ्लुएंस हो कि भाई हमारे स्कूल में ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी फलाना फलाना भले वो बात वीडियो तक ही रह जाएगी वो रियलिटी में ऐसा नहीं करवाए वो सब वीडियो के लिए बना के छोड़ दिया ऐसा भी होता है मैंने सुना है ऐसा तो ये चक्कर है किसी भी स्कूल का ना ऑनलाइन देख के बहकावी मत हो भाई जिस स्कूल में जाना है उसको डायरेक्ट मेल करो कि भाई ये ये तुमने जो है ये तुम्हारे स्कूल में होता है और तुम्हारा कोई दोस्त पढ़ता है कोई ढंका दोस्त जो ये नहीं कि वो तो कि हम तो डूबे सर नाम तुम्हें और लेके डूबेंगे ऐसा दोस्त नहीं कि खुद तो पढ़ रहा है हाँ और तुम्हें ही बुला लिया उस बेकार में तो ऐसा कोई ढंग ढंका दोस्तों कि भाई जो उसको कमी लगे तो तुम तो उससे बेटर में जा सको है ना तो ऐसा स्कूल देखना है और उसमें देखो निहोंगो सॉरी निहोंगो मतलब जैपनीज़ जैपनीज ना हर स्कूल में ऑलमोस्ट सेम ही पढ़ाई जाती सेम बुक्स होती कुछ फ़र्क नहीं होता भाई सही बता रहा हूँ वही अपना दस मिनट का ब्रेक होता है वही कितना साढ़े तीन चार घंटे का स्कूल होता है मुश्किल से कितना सुबह नौ बजे से बारह साढ़े बारह एक ऐसे टाइमिंग होते हैं स्कूल के साढ़े तीन चार घंटे का स्कूल रहता है उसमें दस मिनट का ब्रेक होता है यही चक्कर रहता है आ, सबसे पहले कांजी ग्रामर ऐसे पढ़ाएंगे कांजी ग्रामर फिर कुछ असाइनमेंट वगैरह दे देते दे दे हैं वो करो ऐसे करके यही सब स्कूल में सेम सिस्टम रहता है फ़र्क सिर्फ इतना होता है कुछ स्कूल्स ना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाते हैं कि भाई बच्चों को ट्रिप्स पे लेके जाना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाना कि भाई किसी को कुछ पसंद है सनमन गाको की तैयारी वोकेशनल स्कूल्स की तैयारी करवाना कॉलेज की तैयारी करवाना जॉब के लिए तैयारी करवाना जो जैपनीज लेवल जो है बिजनेस लेवल की जैपनीज़ पढ़ाना जैसे कुछ होते हैं कि जैसे आपको एक्टिंग में जाना है तो उसके लिए अलग क्लासेस होती हैं उसके लिए अलग जैपनीज होती है आपको जैसे सपोज कॉलेज में आना है उसके लिए अलग कोर्स होता है आपको ये करना है वो करना सब के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट होता है तो जो छोटे स्कूल होते हैं ना छोटे इन द सेंस कि साइज में उनमें थोड़ी सी ना कम एक्टिविटीज होती है मेरे हिसाब से और हां ऐसा मैं एक और बात बता दूं भाई देखो जितना बड़ा स्कूल ना उसके उतने बड़े चोचले होते हैं मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ मैं उसका नाम अभी रिविल नहीं कर सकता हूं मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ मैं उसका नाम तो अभी नहीं बता सकता हूं पर और जिनको पता है कॉमेंट में मत लिखना ठीक है तुम कॉमेंट में लिख देते हो जिनको पता है ठीक है अच्छी बात है तुम पता रखो पर यार कॉमेंट वगैरह में मत लिखो क्योंकि देखो मैं कुछ मान लो बता रहा हूँ तुम्हें और कोई जाके वो चीज़ स्कूल में बोल देना तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मैं अभी पढ़ता हूँ स्कूल में समझ रहे हो क्योंकि देखो चिड़बाजी कोई निकाले ना निकाले मुझे, नि... मुझे नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पर क्योंकि कोई बोल देना तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए किसी को पता होना मेरे स्कूल का नाम तो भाई उसको कॉमेंट में मत लिखा करो भले डीएम में आगे लिख दो मुझे मैं वहाँ देख लूँगा कॉमेंट में मत लिखा करो कि भाई आप स्कूल में पढ़ते हो यश भाई आप स्कूल में पढ़ते हो ऐसे मत लिखना कि अगर पता है तो अपने तक रखो उसको ठीक है तो ये चक्कर है क्योंकि यार देखो किसी ने बोल दिया ना तो यार मैं बता रहा हूँ ना अच्छे बंदे भी बुरे बंदे भी हैं तो और बुरे ज़्यादा हैं सही बताऊँ तो तो इस चक्कर से मतलब अपनी कम्युनिटी ये कह रहा हूँ मैं कि बुरे ज़्यादा ये चिड़बाजी निकालने वाले होते हैं ऐसे होते हैं तो इस चक्कर से थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है यार लोगों से है ना तो ये चक्कर है तो हाँ तो आप स्कूल में देखो कि भाई वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में क्या करवा रहा है कि भाई क्या वो ट्रिप्स पे लेके जाता है आपको क्या वो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करवाता है आपको क्या वो आपको जैसे खान जी की जो कैलीग्राफी वगैरह होती है वो करवाता है आपको और क्या होता है क्या जैसे अभी ना हमारे स्कूल में भी ऐसा कुछ चल रहा है कि भाई वीक में पाँच दिन स्कूल होता है चार दिन नॉर्मल क्लासेस होगी एक दिन ना जैसे किसी को कायवा करनी हो स्पीकिंग क्लास होती है किसी को कांजी की प्रैक्टिस हो उसकी क्लास है किसी को जैसे सनको में जाना है वोकेशनल स्कूल में आना, है उसके लिए अलग क्लासेस है उसके लिए अलग टीचर आएगा किसी को कॉलेज में आना उसके लिए अलग टीचर है किसी को एक ई जी होता है मतलब ई पेपर होता है उसके लिए अलग तैयारी है तो ऐसे ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा होता है तो भाई देखो ये चीज़ें पर सबसे बड़ी गलती मत करना कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे तो देख के गलती से इन्फ्लुएंस मत होना भाई क्योंकि दिखा वही वाली बात है हाथी के ना खाने के साथ कुछ होते हैं दिखाने के कुछ होते हैं वो कहावत है ना वही कहावत लागू होती है भाई सही बता रहा हूँ फीस सब में सेम रहती है कोई फ़र्क नहीं है इसलिए ना और देखो मैं एक बात तो मैं ये एग्री करूंगा क्योंकि देखो जितना बड़ा स्कूल जैसे मेरा स्कूल ना जहाँ मैं पढ़ता हूँ बहुत बड़ा स्कूल है तो उतने ही उसके ना वो होते हैं रूल्स रेगुलेशन होते हैं और जितना थोड़ा छोटा स्कूल होता है ना वहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब मैं बताऊँ वो भी स्ट्रिक्ट है पर वहाँ पे ना इतनी लफड़ेबाजी नहीं होती लफड़ेबाजी इन द कि ये रूल वो रूल फलाना ढिमकाना तो ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें तो इस चक्कर से मेरे हिसाब से ना ज़्यादा बड़ा स्कूल भी एक प्रॉब्लम ही है और ज़्यादा छोटा स्कूल भी प्रॉब्लम है तो डिपेंड करता है देखो कुछ कुछ हैं बड़े स्कूल जो बहुत अच्छे हैं कुछ कुछ छोटे भी हैं जो हरामी हैं तो हर तरीके से ना मैं इसलिए कह रहा हूँ स्कूल आने से पहले भाई रिसर्च करो क्योंकि आपको यहाँ पे लंबा टाइम देना है डेढ़ साल दो साल एक साल देना है आपको तो दो तीन महीने की बात तो है नहीं दो तीन महीने वाले भी होते हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए आते हैं पर अपने जो इंडियन कम्युनिटी जितने बंदे हैं मैंने अभी तक कोई शॉर्ट टर्म कोर्स का नहीं देखा मैंने सब लॉन्ग टर्म वाले देखे डेढ़ दो साल वाले देखे हैं तो अब हम हम तो सारे लंबे वाले हैं तो भाई हमें तो कोई ढंग का स्कूल देखना है क्यों क्योंकि हमें अपना लंबा टाइम देना टाइम देख लूँ ना साफ साफ तो हमें तो अपना लंबा टाइम देना ना उधर तो इस चक्कर से भाई आप ना मेरे हिसाब से कोई भी क्वेरी हो स्कूल में डायरेक्ट मेल करो भाई इंग्लिश बोलने वाला टीचर भी होता है आप सीधा फोन कर दो यार थोड़े ही तो थो पैसा लेंगे ना कम से कम आपका डाउट तो क्लियर हो जाएगा उतने लाख खराब हुए उनसे अच्छा वो कहते हैं ना पाँच सौ छः सौ का खर्चा आ जाए वो ज्यादा बेटर है है ना तो ये चक्कर है और ना उस स्कूल में जाओ जो ना ज़्यादा बाहरी की एक्टिविटी ज़्यादा करवाता हो क्योंकि देखो जैपनीज तो हर जगह सेम ही चलनी है कोई सेम डेली स्कूल जाओगे घर आओगे कुछ अलग होगा तो आपके लिए रिफ्रेशिंग होगा वो है ना तो इसलिए कि ट्रिप्स देखो अभी तक भाई हमारा स्कूल तो एक बार भी ट्रिप पहले लेके गया पहले लेके जाता होगा पता नहीं क्योंकि ऑनलाइन तो दिखाया था पर हमारा स्कूल अभी तक एक बार भी लेके गया भाई ट्रिप पे क्योंकि उस टाइम कोरोना भी था सब था तो अभी तक हमें तो मतलब ऐसे स्पोर्ट्स तायकों कान वगैरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं पर एक बार हुई थी जिसमें मैं ही नहीं गया मैं सोता रहा उसमें नींद आ रही थी मुझे तो भाई मैं ही नहीं गया था उसमें तो बहुत थका हुआ था उस दिन तो मैं गया नहीं उस दिन ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जैसे हमारे स्कूल में हाँ एक होता है स्पीच कॉन्टेस्ट होता है उसमें क्या एक ऑडिटोरियम बड़ा सा बुक होता है बाहर तो वहाँ पे स्कूल के सारे बच्चे होते हैं जितने भी पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं वो स्पीच देंगे आपको कुछ अपनी एक्टिविटी करनी है जैसे अपनी कंट्री का डांस दिखाना अपनी कंट्री का कुछ दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं वहाँ पे स्टेज पर जाके तो ये भी एक होता है कि हाँ ये भी एक ठीक है भाई थोड़ा सा घूमने को मिल जाता है घूमने को मिल जाता है और कुछ स्कूल में मैंने सुना है कि वेंडिंग मशीन नहीं होती जो मेरा वाला स्कूल है उसमें वेंडिंग मशीन है वाटर कूलर फ्री है और मतलब सारी फैसिलिटी ऑलमोस्ट अच्छी है ऐसे लाइब्रेरी बनी हुई है जैसे अपना लाइब्रेरी है वेंडिंग मशीन है वाटर कूलर है और अलग से जैसे एक बना रखा है बच्चों के पढ़ने का बिल्कुल स्पेस वगैरह सब है मतलब ऑलमोस्ट ना मेरे स्कूल में जो जहाँ मैं पढ़ता हूँ कुछ कुछ जो छोटे स्कूल्स होते हैं उनमें ना लाइब्रेरी का स्पेस नहीं होता उसमें क्या है वही क्लास रूम में पढ़ते होंगे बच्चे क्योंकि मैंने वो भी देखे हैं तो कुछ कुछ स्कूल में वेंडिंग मशीन नहीं होती वेंडिंग मशीन नहीं होगी तो भाई मेरे हिसाब से देखो स्कूल के बाहर भी होते हैं कॉम्बनी में मानता तो हूँ कॉम्बनी है कन्वीनियंस स्टोर है अगल बगल में पर एक स्कूल में होता है तो उस स्कूल वाली वेंडिंग मशीन में दस बीस तीस यान महंगा रहता है मतलब दस बीस तीस रुपये महंगा रहता है ना क्यों क्योंकि एक तो स्कूल में फैसिलिटी मिल रही है आपको भाई बाहर वाली मैं एक से बता दूँगा बाहर जो कॉफी सौ की है ना वो स्कूल में एक सौ की मिलती है वो अब आपकी हेडेक है कि आप बाहर जा लेने लेके आना चाहते हो पैसे बचा रहे हो या आप स्कूल से ले रहे हो मैं तो स्कूल से ले लेता हूँ कौन बाहर जाएगा तो वो अपनी अपनी प्रेफ्रेंस है सबके है ना तो ये चक्कर रहता है और कुछ कुछ स्कूल्स में जैसे खाने की वेंडिंग मशीन भी होती है पीने की भी होती है और हमारे स्कूल में खाने की नहीं है पीने पीने की है कुछ स्कूल्स में कैफेज होते हैं हमारे स्कूल में कैफे था पर वो बंद कर दिया तो ये सब छोटी छोटी चीजें ना बहुत नोटिस होती है लॉन्ग टर्म में क्यों शॉर्ट टर्म में तो इतना नहीं होता लॉन्ग टर्म में जब ना यार स्कूल में काफे होता हम कुछ खा लेते यार क्योंकि देखो दस मिनट का ब्रेक है बंदा क्या ही कर लेगा अपने जो मेरा स्कूल है उसमें तो दस मिनट में बच्चे सुट्टे मारने आते हैं ऊपर छत पर बना रखा है स्पेस चल रहे ऊपर सब ऊपर जो पी, पी, सिगरेट पीने वाले सब ऊपर पी रहे तो मे भी मेरे हिसाब से और किसी स्कूल में मैंने अभी तक मतलब जितने मेरे जानकार में ना दोस्त उनके स्कूल में तो नहीं भाई स्मोकिंग एरिया किसी के भी तो हमारे वाले में तो उन्होंने बहुत बड़ा सा दे रखा है भाई छत पे की स्मोकिंग एरिया वहाँ टीचर भी पी रहा है बच्चे ही पी रहे हैं तो ये चक्कर है और जैसे हमारे स्कूल में खाने का भी एक नीचे अलग बना रखा है स्पेस वो अलग बात है कि वो कैफे बंद पड़ा है उधर कोई मतलब जो घर से ला रहा है वही खाता है अब देखो दस मिनट का ब्रेक है उसमें अगर बंदा घर से लाने वाले जब घर से लाओ तो खा लो अपना जो ड्रिंक पे चलो है ना घर जाके खाओ फिर तो ये चक्कर होता है पर हाँ एक चीज और देखना कि कुछ कुछ स्कूल्स ना जैसे जॉब ढूंढने में हेल्प नहीं करवाते तो भाई मेरे हिसाब से उस स्कूल को प्रेफर करो आप जैसे ना उनसे मेल पे पूछ लो या फ़ोन पे पूछ लो कि भाई आपका स्कूल इसमें शिष्य को करने में हेल्प करवाता है शिशु के मतलब कि जॉब ढूंढवाने में हेल्प करवाता है तो ऐसे करके पूछ सकते हो आप उनसे क्योंकि भाई आप पैसे दे रहे हो कोई पचास साठ हज़ार की बात नहीं है भाई बहुत जैपनीजन में तो काफ़ी लाखों की बात होती है आठ आठ साढ़े आठ लाख की बात होती है कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है तो इस चक्कर से भाई एक एक आपका राइट है पूछना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनके स्कूल में क्योंकि एक बार पैसा दे दिया ना तो फिर तो अब देखो हर चीज़ में बोल नहीं सकता वीडियो में क्योंकि मेरे लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं क्योंकि मैं सब बोल दूंगा तो वहाँ जाके कोई और सब ना बोल दें समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बताने को तो मैं सब खोल दूंगा पूरी पोल पट्टी सबकी इधर उधर की पर क्या चक्कर है क्योंकि मैं भी बोलूंगा ना तो मेरे पीछे भी बहुत बोलने के लोग हैं समझ रहे हो तो इस चक्कर से इशारा दे रहा हूँ वो समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप वो चीज़ समझो ठीक है तो उस स्कूल में जाओ जो आपको लगभग स्कूल ना यूनिवर्सिटी वगैरह में हेल्प करवाते हैं और कहते को वगैरह में भी हेल्प करवाएंगे पर जॉब ढूंढवाने में ना कुछ कुछ स्कूल्स हेल्प नहीं करवाते पार्ट टाइम में तो देखो ऑलमोस्ट मेरी जहाँ तक मुझे पता है हर स्कूल हेल्प करवाता है वो आपकी पार्ट टाइम ढूंढवाने में उनके पास कांटेक्ट होता है पर उसका जो जीक्यू जीक्यू जी क्यू क्या होता है वेज एक घंटे का कि भाई बाहर मान लो हज़ार तो उसमें आपको साढ़े नौ सौ मिलेगा स्कूल वाली पार्ट टाइम जो ढूंढवा उसमें थोड़ा सा कम होता है क्योंकि ये मैंने पर्सनली भी देखा था जब वही ना बुक होती है उस बुक में ना सारी पार्ट टाइम लिखी होती है तो उसमें थोड़े से पैसे कम होते हैं है। मैंने देखा था बाहर डायरेक्ट जाओगे तो उसमें सही मिल जाते हैं तो अगर नहीं मिल रही तो मजबूरन वाली बात है कि भाई मजबूरन में वो जल्दी में ज्वाइन करना है तो कर लो क्योंकि स्कूल की सेटिंग होती है वो उस आपकी ज्वाइनिंग ही होती है उसमें सीधे इंटरव्यू वगैरह का के लफड़ा नहीं वो नाम नुम पूछेगा ऐसे हो जाता है तो ये चक्कर है बाकी सारे स्कूल पार्ट टाइम ढूंढवाने में तो हेल्प करते ही करते हैं मेन है कि जो फुल टाइम जॉब फुल टाइम जॉब मेन है क्योंकि पार्ट टाइम का तो क्या है भाई आज आज तो कल छोड़नी है फुल टाइम जॉब ढूंढवाते ना वो ज्यादा बेटर है क्यों क्योंकि भाई वो आपको वीजा चाहिए तो फुल टाइम जॉब तो करनी पड़ेगी तो भाई वो जो स्कूल उसमें सब आपको सपोर्ट करेगा ना कुछ कुछ स्कूल सपोर्ट करते हैं कि भाई यहाँ इंटरव्यू है वहाँ इंटरव्यू आप जाके दे सकते हो तो ये चक्कर है हमारा जो क्यों वाली ब्रांच है भाई हमारे स्कूल की वो तो नहीं करवाती ये सब काम जो हमारी टोक्यो वाली वो करवाती है तो ये चक्कर है ठीक है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कोई नाम मत लेना मेरे स्कूल का नीचे ठीक है मैं जहाँ पर पढ़ता हूँ और जिनको पता है वो कोई नाम नहीं आना चाहिए ठीक है ठीक है तो ये चक्कर है और तो यही सब है यार पता है ये छोटी छोटी चीज़ें कल्चरल एक्टिविटीज़ मतलब कि जैसे कोई जैपनीज फेस्टिवल अब जैसे हेलोवन आ रहा है तो हेलोवन पे आपके स्कूल में क्या डिफरेंट हो रहा है हमारे स्कूल में जो पिछले साल हेलेवन पे हुआ था कि टीचर्स जो है हेलोवेन के जो आउटफिट में तैयार होकर आए थे सबको टॉफीज़ वगैरह बांट रहे थे और पूरा स्कूल एक हेलोवन की थीम पर सजा दिया था तो ये चक्कर जैसे क्रिसमस में भी हमारे स्कूल में इवेंट होता है तो ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे जो क्रिसमस न्यू ईयर जो जापान की फेस्टिवल है ऐसे कुछ स्पेशल क्यों तो की फेस्टिवल है तो उसमें क्या आपका स्कूल कुछ इवेंट कंडक्ट करवा रहा है क्या आपके लिए क्या डिफरेंट करवा रहा है वो पढ़ाई से हटके क्या करवा रहा है पढ़ाई तो हर जगह ही है ना पढ़ाई तो जहाँ दिल्ली वाले स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ाई हो रही है जैपनीज है ना पर हटके क्या है आपको आपने वहाँ पैसा लगाया तो आपको क्या मिल रहा है क्या प्राप्त हो रहा है मतलब क्या आप वहाँ से गेन कर रहे हो तो वो मैटर करता है ठीक है तो इसीलिए मेरी जो एडवाइज़र रहेगी भाई बहुत सोच समझ के शांत दिमाग से अच्छे से कोई दोस्त दास्त तो कोई जानते हो किसी को उसको मैसेज करके पूछ लो भाई डायरेक्ट कि तेरा स्कूल कैसा है आना बेटर है नहीं है या उससे बेटर में जाने का फ़ायदा है और उससे बेटर ढूंढो भाई बहुत योग को, को तो भरे पढ़े भाई जी अपनी स्कूल तो एक से बढ़ के एक भरे पढ़े तो उनको ढूंढो उनकी क्या एक्टिविटीज़ हो उनके जो है ब्रोशर वगैरह देखो कि उनमें क्या करवाते हैं वो क्या क्या उन्होंने हर साल मतलब क्या बच्चों के लिए क्या कराया अलग जी हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप भी की अटेंडेंस है तो पूरी तो तीन मान मतलब तीन मान मतलब तीस हजार की स्कॉलरशिप देते हैं अगर पूरी हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस चल रही है आपकी तो ये चक्कर भी और तीन बार से ज़्यादा एबसेंट मतलब तीन बार से ज़्यादा लेट हो गए तो एबसेंट लग जाती है और भाई एटी परसेंट से नीचे गई तो अटेंडेंस आपकी तो पीला वो लग जाता है गेलो और आपके आगे नाम के आगे ऐसे लग जाएगी फिर आपको वीज़ा रिन्यू करने के टाइम पे ऐसे लिखना पड़ेगा जैपनीज़ में साकूबन जैसे कहते हैं कि भाई क्यों मैं लेट हुआ था क्या रीज़न था जो मेरी अटेंडेंस इतनी लो हुई है तो ये ऑलमोस्ट ना हर जगह अपने स्कूल के सेम रूल होते हैं क्योंकि इमिग्रेशन का ही रूल है तो इसलिए इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है तो यही सब है भाई छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है लॉन्ग टर्म में इसलिए इनको आप शुरू से ही ध्यान में रख के चलोगे तो वो आप ही के लिए अच्छा होगा है ना क्योंकि आपको फिर सफ़र नहीं करना पड़ेगा फालतू में तो ये चक्कर है और कि वहाँ का टी आ, कोई दोस्त सीधा पूछ लो कि भाई टीचर कैसे है या सा मतलब काइंड है नहीं है कि बीशी स्ट्रिक्ट है नहीं है तो ऐसे ऐसे ये आप पूछ सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मतलब दोस्त थे स्कूल में तो डायरेक्ट क्या ही पूछोगे वो तो यही बोलेंगे भाई काइंड है तो ऐसे ही यही बात है और अच्छे से भाई कोई दिक्कत नहीं है मेल वेल डालो फ़ोन पे बात करो उनके ब्रोशर वगैरह चेक करो और किसी ने जैसे कुछ कुछ लोग हैं जिन अपने स्कूल की वीडियो बना रखी है या कुछ कुछ जो कम्पैरिज़न कर रहे हैं बहुत सारे चैनल बने हुए हैं ऐसे उनकी वीडियोज़ देख सकते हो आप कि भाई ये क्या कैसा स्कूल है वो कैसा है क्या नहीं है तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मैटर करती हैं और इनको आपको मेरे हिसाब से बहुत ध्यान में रखना चाहिए बहुत इनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए प्रायोरिटी बनाना चाहिए इनको क्योंकि लॉन्ग टर्म में दिस विल हेल्प यू है ना ये आपको हेल्प करेगा तो मेरे हिसाब से यार जो भी मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है ट्रिप्स वगैरह भी स्कूल कुछ कुछ लेके जाते कुछ कुछ नहीं लेके जाते मैं अभी तक नहीं गया हूँ स्कूल की साइड से ट्रिप है मैं खुद ही गया हूँ जितना गया हूँ तो और ले जाने वाले बहुत हैं जैसे पार्टीज़ वगैरह करवाते हैं जैसे आप जब आपकी सोच सक होती ग्रेजुएशन होती है उस टाइम भी एक पार्टी अरेंज होती है वो डिपेंड करता है आपके स्कूल पे वो देता ही नहीं देता मुझे मेरे का तो पता नहीं कि मेरी अभी ग्रेजुएशन हुई नहीं ना अभी अपनी जयने स्कूल से तो वह जब होगी तो बताऊंगा उस टाइम पे क्या है जब आए थे तो भी एक पार्टी अरेंज होती कि भाई बच्चा आया है कि अब से हम जापान में मेहनत करेंगे ऐसे करेंगे गमबारू मस करेंगे गमबार्यू करेंगे मतलब कोशिश करेंगे तो ये जो चक्कर है उस टाइम भी वो भी हमारी नहीं होती क्योंकि जब मैं आया था कोरोना था यहाँ पे तो वो कैंसिल हो गया था सब कुछ तो मैंने नहीं देखी वो अपनी कि भाई हमारा आने का वो हुआ वो कुछ ऐसा वो वाली पार्टी भी मैंने नहीं देखी तो डिपेंड करता है वो कि आपका स्कूल देते हैं देता मैंने नहीं देखी अपनी पर्सनली अपने स्कूल की तो ठीक है ये सब छोटी छोटी बातें ये सब ध्यान में रखना फिर भी कोई डाउट होता है तो आप ना मुझे कमेंट कर सकते हो मैं डेफ़िनेटली उसका रिप्लाई करूंगा अगर मुझे पता होगी वो चीज़ से मैं उसका आंसर करूंगा कोई बात हो तो मुझे कमेंट में बताना और कुछ रह गया हो जो मेरा जो आपको जानना हो जो मैं बता नहीं पाया हूँ या तो आप कमेंट कर दो मैं कमेंट में आंसर कर दूँगा ठीक है तो अब भाई खाना खाते हैं इसको गर्म करूँ और भागू क्योंकि नौ बजे हो गए और दस बजे से जॉब है जाने में पंद्रह बीस मिनट लगेंगे खाएँ जल्दी से अब भागते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में सी यू बाय